खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर अरायण निवासी सतनाम सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे को लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत सतनाम सिंह वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया, तो वहीं घटना का कारण घरेलू कलह फिलहाल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवं संवाददाता कमलदीप सिंह फिलहाल गंगानगर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलदीप, काफी ज्यादा विभत्स ये पूरी घटना रही, क्या ये पूरा प्रकरण रहा, जानकारी चाहूंगी आपसे। जी जयंती, बता दूं मैं आपको कि देर रात एक युवक ने अपनी पत्नी व पुत्र के मौत के घाट उतार दिया है। वही जब मामला पता चला सुबह दूसरे बड़े भाई को, तो उसने पुलिस को मामला बताया। हालांकि जो युवक था वो फरार है अभी, और पुलिस उसे पकड़ने में चारों तरफ नाकाबंदी कर चुकी है। और जो जो महिला और उसके पुत्र का जो शव है वो अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया गया। कमलदीप, क्या इस हत्या के पीछे, दोहरे हत्याकांड के पीछे फिलहाल कारण बताया जा रहा है? घरेलू कलह की बात मोटे तौर पर सामने आ रही है, इसके अलावा क्या कोई जानकारी है आपके पास? जी, आपको घरेलू प्रेजेंट जो है जो विधक है जो आप मौत के कारण अपनी पत्नी को पहले पीटा और उसके बाद उसने पत्नी को पत्नी परिवार की जाए जो ट्रॉली के घर ट्रॉली खड़ी थी ट्रॉली से लोहे की राड निकालकर अपनी पत्नी परिवार की है और उसके बाद अपने बेटे पे उसने वार किया। घरेलू कलह का अभी कारण बताया जा रहा है, उसकी और जांच करते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका कमलदीप। श्रीगंगानगर से आपको खबर बता रहे हैं, नशे में धुत पति ने अपनी ही पत्नी और बेटे की लोहे की रॉड से वार कर यहां पर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति फरार भी हो गया। घरेलू कलह फिलहाल इस दोहरे हत्याकांड के पीछे वजह बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में जुट चुकी है, मामला दर्ज कर लिया गया है उसके खिलाफ।